नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहां पर आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आने वाली 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 2019 के बीच में यहां पर दिल्ली में जो है एक बड़े आंदोलन की घोषणा NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा की गई है। तो उसी आंदोलन के अकॉर्डिंग लोगों के जो कमेंट्स है, जो विचार है, उन्हीं को लेकर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर शामिल। यहाँ पर विलास पाटिल जी लिखते हैं नेशनल असोसिएशन कमेटी की तरफ से कि नम्र निवेदन है कि दिल्ली में प्रस्तावित 4 से 7 दिसंबर 2019 के आंदोलन के लिए अपने रेल टिकट आज से ही बुक कराना शुरू कर दे। अगर आप हमारी मांगें पहले मंजूर की जाती है तो इसे जो है 7 दिसंबर 2019 को विजय उत्सव मनाया जाएगा, और यदि नहीं मंजूर की जाती है तो 4 से 6 दिसंबर तक दिल्ली में विविध प्रकार के विरोध आंदोलन किए जाएंगे, और 7 दिसंबर 2019 को दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन देश भर के लाखों पेंशनधारकों द्वारा किया जाएगा। तो इसी जो है आंदोलन के ऊपर यहां पर जो है श्री प्रमोद कुमार जी अपना कमेंट्स करते हैं कि डियर कमांडर सर, कोटि कोटि धन्यवाद। 7 दिसंबर 2019 दिल्ली रास्ता रोको और जेल भरो का जो निर्णय यहाँ पर माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा लिया गया है, ये एक धाड़सी निर्णय है और इसका जो है इन्होंने सम्मान यहाँ पर किया है। आगे श्री अनिल मिश्रा जी लिखते हैं कि दोस्तों, अंतिम निर्णय के लिए आपके पास अपने जो है अपने आप को तैयार हो जाओ। यह सरकार आपके दर्द और अनुरोध को नहीं सुनेगी। हमारे अज्ञेय शीर्ष नेताओं द्वारा तय की गई तारीख पर एक बार दिल्ली में इकट्ठा हो जाओ। दिल्ली में आपका नंबर आपका विश्वास तय करेगा। यह बात याद रखें कि एक रैंक पेंशन PM मोदी द्वारा एक बार दिल्ली में सैन्य कर्मियों की भीड़ के द्वारा ही की गई थी। इसी के अकॉर्डिंग आगे यहाँ पर जो है प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि दोस्तों, आखिरी हथौड़ा दिल्ली में 7 दिसंबर 2019 को, रास्ता रोको जेल भरो दिल्ली के लिए बुकिंग यहाँ पर जो है शुरू कर दी गई है। और यदि आप भी जो है दिल्ली के आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नंबर इन्होंने दिया है, इस पर जो है आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप भी दिल्ली के आंदोलन में जा रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, जिसे अगले वीडियो में यहाँ पर हम जो है शामिल करेंगे। अगला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से। इसी आंदोलन को जो है यहां पर दृढ़ करने के हिसाब से NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपने फेसबुक ग्रुप के जो है फ्रंट पेज को यहां पर एडिट किया है, और इसमें जो है रास्ता रोको का 7/12/2019 का बैनर यहां पर लगाया है, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी और जो है NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख कार्यकर्ता लोग जो है यहाँ पर हौसला बुलंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगला यहाँ पर जो है अपडेट आ रहा है विलास पाटिल जी की तरफ से, जो लिखते हैं कि देश भर के पेंशनर भाइयों को शिकायत थी कि समय रहते हमें जो है दिल्ली आंदोलन के प्लान का पता नहीं लगा था, इसीलिए यहाँ पर जो है दिल्ली आंदोलन जो 9 अगस्त को हुआ था उसमें जो है कई लोग शामिल नहीं हो पाए थे। नांदेड़ में इस पर जो है विस्तृत चर्चा की गई है, और इसके बाद में केंद्रीय नेतृत्व के इसके निराकरण हेतु अविलंब दिसंबर 4/12/2019 से 7/12/2019 तक दिल्ली में महामेगा आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। दक्षिण से एक ग्रुप ने तो पूरी ट्रेन बुक करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। देश के सभी पेंशनरों से आह्वान किया जाता है कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी के अनुसार, तुम मुझे तुम्हारा समय दे दो, मैं तुम्हें पेंशन व सब हक दिला दूंगा। अतः साथियों, यदि बुढ़ापा सुधारना है और अपनी भावी पीढ़ी को ओर से जो है यहाँ पर इनका हक जो है बहाल करना है तो आप ही दिल्ली कूच के लिए तैयार हो जाओ। खूब वक्त है आने व जाने हेतु, बस रेलवे व कंपार्टमेंट या पूरी रेल भी बुक करवा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक व फुल बुकिंग देश के किसी भी कोने से दिल्ली तक आने वाले स्लीपर का जो है अधिकतम किराया मात्र 1000 रुपये बनता है। 7 दिसंबर सुबह पहुँचे व शाम को वापस। सादर जो है रणजीत सिंह दसुंदी जी ने जो है यह कमेंट्स यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंदोलन यहाँ पर होने हैं 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में, रेल रोको, रास्ता रोको और जेल भरो आंदोलन, तो इसी को लेकर जो अपडेट यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय खबर यूट्यूब चैनल की तरफ से हमने इस अपडेट को जो है आपके साथ यहाँ पर पेश किया। अब यदि आपके जो भी कमेंट्स है यहाँ पर पेंशन को लेकर, EPF को लेकर और एम्प्लॉय से जुड़ी किसी भी जानकारी को लेकर, तो आप जो है स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे होंगे, इस पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल आईडी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो
तो आज यहाँ पर यह मेरी कलम मेरी आवाज़ का पहला जो है वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आगे भी जो है इस सीरीज़ को चलाना चाहते हैं, यदि आपके जो भी कोई भी समस्या है, कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी बात है, तो आप जो है इस पर जो है कमेंट्स कर सकते हैं और हम जो है उसे वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।